नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी। धामपुर में भारतीय हीरोज ऑर्गेनाइजेशन बिजनौर ने आज जिला कार्यालय पर होली मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। आपको बताते चले कि धामपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम कोडीपुरा भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया होली मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केडी सिंह प्रजापति जी ने की और मुख्य अतिथि हरिद्वार से आए राष्ट्रीय मुख्य महासचिव संदीप सिंघानिया जी रहे एवं विशिष्ट अतिथि प्रजापति पी के बलियान प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से हीरो साथियों ने भागीदारी की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी और विवेकानंद प्रजापति जी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि संदीप सिंघानिया जी ने संगठन के विभिन्न उद्देश्यों पर हीरो साथियों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन किया और संगठन के विस्तार पर जोर दिया। संगठन के उद्देश्यों को धरातल पर लागू करने के लिए और समाज के हर व्यक्ति को संगठन से जोड़ने की दिशा के आह्वान किया। समाज के सभी उपस्थित लोगों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और आगे से सभी लोगों ने एक सुर में कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और इसके लिए सबको थोड़ा समय निकालना चाहिए और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। समाज को जागरूक करके विभिन्न क्षेत्रों में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं दिनेश कुमार प्रजापति पत्रकार को मुरादाबाद मंडल का मीडिया प्रभारी बनाया गया। कार्यक्रम के अंत में समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिनमें मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति के दो पुत्रों को सरकारी नौकरी मिलने पर सम्मानित किया गया। हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के माटी कला प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर ऋषि पाल सिंह जी प्रजापति के सुपुत्र को ताई कमांडो में नेशनल गोल्ड मेडल लेने पर और दूसरे बेटे को राष्ट्रपति भवन में चयन होने पर पुरस्कृत किया गया। समाज के अन्य कई प्रतिभागों को और पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। हरिद्वार प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के सतीश प्रजापति जी, रामजी लाल प्रजापति जी व अन्य टीम के साथी कोटद्वार से डॉक्टर पूनम जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी कमलेश प्रजापति जी, दिनेश प्रजापति पत्रकार, नीरज प्रजापति, लक्ष्मण प्रजापति एडवोकेट, सुनील प्रजापति, आर के आर्य एडवोकेट जी, निकुल आर्य एडवोकेट, नीरज आदि सैकड़ों सामाजिक बंधु कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ दिनेश कुमार प्रजापति, धामपुर। आज प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्राम कोड़ीपुरा में कार्यक्रम आयोजित हुआ है होली मिलन समारोह का, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन जिला इकाई बिजनौर के तत्वाधान में होली मिलन का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें सर्वप्रथम तो सभी सहजाति बंधु देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। और इस प्रोग्राम में होली मिलन के साथ साथ एक छोटा सा सम्मान समारोह किया गया है, जो हमारे समाज के बच्चे पीसीएस में अन्य सर्विस में सेलेक्ट हुए हैं, उनका मान सम्मान करने का, उनके माता पिता की हौसला अफजाई करने के लिए समाज ने एक छोटी सी विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप सिंघानिया जी हरिद्वार से पहुँचे अपनी पूरी टीम के साथ और समाज के अन्य जो संगठन हैं वो भी हमारे साथ आए हैं और इन बच्चों की हौसला अफजाई की है। ये अभाव निश्चित तौर पर महसूस होता है कि हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो लोग राजनीति में जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति में भी इंटरेस्ट लो और अधिक से अधिक सक्रिय रहो। आप एनजीओ में भी सक्रिय रहो, आप अपने जो है ना अन्य जो समाज है सबसे घुल मिल के एक ऐसी अवधारणा, क्योंकि समाज क्या है, जाति क्या है, जाति एक परिवार है, जाति एक परिवार का ही विस्तृत रूप है, व्यापक रूप है और एक ही परिवार से जाति बनी है हमारी, ठीक है। इसलिए हमें तो जाति को परिवार का दर्जा देना चाहिए और परिवार की बातें ही, जैसे अपने परिवार के लिए आदमी सुख दुख के लिए काम करता है, ऐसे समाज के सुख दुख के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसे मेरी छोटी छोटी बातें हैं और संगठन बहुत जरूरी है। संगठन आप सब कितने भी संगठन यहाँ बिजनौर में काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 20 काम कर रहे हो, 25 काम कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, संगठन गढ़े चलो। एक आपने सुना भी होगा कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब यदि आपको कोई अपमान की दृष्टि से पेश करता है, पूछता है, जैसा कि मुझसे कई बार डिबेट हो गई, मुझसे कहा कि आप कौन हो,
मैंने कहा कौन? जो आप हो वही मैं। क्या मतलब? आप पुरुष हो, मैं भी पुरुष हूं, अन्य फिर भी आपका नाम क्या हो? मैंने मेरा नाम विवेकानंद। के पूरा नाम मैंने, ये कब अधूरा है, ये कब अधूरा है? आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि कहां रहते हो? कि मिठेपुर में। कि मिठेपुर में? फिर वो उसी बात पे आया कि मैंने, आप पूछना क्या चाहते हैं, आपके पेट में मरोड़े किस बात के उठ रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी जाति क्या है? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप किस जात के हो? तो पूछने लगा कि हाँ, ये जानना चाह रहे मिठेपुर में किन लोगों में रहो, किन लोगों में रहो। तो उसने मेरी जाति जब पूछनी चाहिए तो मैंने उससे यही कहा कि मेरी जाति का अगर आपने प्रसंग ना सुन रखा हो तो समझ लेना, अगर आपके अंदर थोड़ी भी समझने की क्षमता है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।